76वें आजादी दिवस पर आज नई मुंबई शिवसेना जिला अध्यक्ष विट्ठल मोरे ने अपने जनसंपर्क कार्यालय में ध्वजारोहण किया और सैकड़ों नागरिकों के बीच तिरंगे को सलामी दी। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर उन्होंने नागरिकों को संविधान के प्रस्तावना की अनूठी सौगात देते हुए स्वाधीनता को बनाए रखने का आह्वान किया। शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे एवं युवा नेता अवधूत मोरे ने आज अपने जनसंपर्क कार्यालय पर ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को संविधान के प्रस्तावना की कापियां भी भेंट की। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश लाखों कुर्बानियों और संघर्षों के बाद आजाद हुआ है और संविधान के सिद्धांतों पर चलते हुए यहां तक पहुंचा है। यह देश सर्वधर्म समभाव और एकजुटता के ढांचे में ढला है, इसलिए यदि हमें आजादी को टिकाए रखना है तो हमें संविधान के इन मूल्यों के अनुसार काम और व्यवहार करना होगा। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, आज 15 अगस्त अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम लोग मनाने पूरे देश में मना रहे हैं और बड़े पैमाने पे मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमें ये फीलिंग्स नहीं होती कि हम स्वतंत्र रहे। ये पूरे देश की नागरिकों की उनके मन में एक खंत है, क्यों राजनीति में इतना नीचे गिरी है राजनीति, कोई उसका अनुमान नहीं है। और इसके वजह से हर नागरिक के मन में एक घबराहट है। आज देखिए, महंगाई इतनी बड़ी है, लोग पूरे परेशान हैं। और उससे आज का स्वतंत्र दिन है, लेकिन हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र है क्या? जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर अपने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया, ऐसे लोगों को आज ये हम समर्पित कर रहे हैं, हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। ऐसे वक्त में उन लोग भी ये सोचते होंगे कि नहीं भाई, ये हम लोग ने जो किया जिसके लिए आज वो दिख नहीं रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के वक्त में हमारा जो संविधान है, वो संविधान का सम्मान अगर हम रखेंगे तो ही हमारी भारतीय लोकशाही बच सकती है। इसके लिए हम लोग काम करना चाहिए, इसके लिए एक ही करना चाहिए कि जो संविधान है उसका सम्मान बढ़ाना, तो ही भारतीय लोकशाही बच सकती है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से आज तक हर साल 15 अगस्त बहुत उत्साह से मनाया जाता है। उसी तरह इस बार भी बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। 75वां साल गिरा है, इसलिए और इसमें मीठापन है। तो लेकिन आज के दिन पे हमने क्या विचार करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए? तो याद करना चाहिए वो जो बलिदान जो हमारे थोर महात्मा ने दिए है, उनको याद करना चाहिए। जैसे कि आप जालियांवाला बाग, जो सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ, उसको याद करना चाहिए, उससे समझना चाहिए कि आज का दिन का महत्व क्या है। आज रोशनाई वगैरह सब करेंगे हम, लेकिन ये उनको हम समर्पित कर रहे हैं क्या? हम उनको आदरांजलि दे रहे हैं क्या? ये सोचना चाहिए आज के दिन में। आज की भी जरूरत है कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये देश को दिया है, जो उनके नेतृत्व में दिया गया, उससे क्या दिखा है कि सब सारे समाज एक साथ आना चाहिए। कुछ अभी शक्तियां है जो ये समाज को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो संविधान को अगर हम रिस्पेक्ट करें, वो आदर करें, वो ध्यान में ले, तो ये देश एकजुट रहेगा और ये देश प्रगति करेगा। स्कूल में क्या पढ़ाया गया कि सभी धर्म, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन वो आज जो शक्तियाँ जो इसके विरोध में काम कर रही है, तो उसको हम अड़ाना चाहिए। ये संविधान को अगर हम ध्यान में रखें तो हम जरूर इसको अड़ा सकते हैं और देश प्रगतिशील हो सकता है।
लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।